अपने पुत्र नूं फेसबुक चलानी ते बड़ी सिखाई है, अपने पुत्र नूं ट्विटर चलाना ते बड़ा सिखाया है, अपने पुत्र नूं यूट्यूब चलानी ते बड़ी सिखाई हो, ऐ अपने पुत्र नूं क्यों नहीं सिखाया? पुत्र सवेरे नमाज पढ़नी है, जिक्र अजकार करने ने, ते सब तो पहले उठ के जाके उत्ते जाके परिंदियां दे पानी का इंतजाम करना है, जानवरों के पानी का इंतजाम करना है, उन्हां दी रोजी रोटी का इहतमाम करना है। तू मासूम बेजुबान मखलूक दी रोजी रोटी का इहतमाम करेगा, रब तेरी रोजी रोटी का इहतमाम करेगा। बल्ले बल्ले नहीं होनी चाहिए, स्लेटां प्लेटां फ्लैक्स ते बैनर नहीं लगने चाहिए कि ए नलका मैं लवाया, ए मोटर मैं लवाई है, ए फिल्टर मैं लवाया ना। मेरे प्यारे भाईओ, इन्हां नामां तो ना थोड़ा जिहा हथ पिछा रखिया करो कि यार बस मैं अपनी माँ वालों सदका कर दिता है, बस मैं अपने बाप वालों नलका लगवा दिता है, बस मैं अपने वालों सदका जारिया कर दिता है, मैनू शाबाश चाहिए तो मेरे रब कोलों चाहिए, मैनू थापड़ा चाहिए तो मेरे रब कोलों चाहिए, मैं रेट लवाना तो अपने रब कोलों लवाना है, तो एको वारी लवाना तो क्यामत वाले दिन लवाना है। रब्बी शराहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यन्फ़उना وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أحباب ذی وقار अल्लाह पाक ने सानू बेशुमार नेमतां अता फरमाईयां। अगर असी अल्लाह पाक दीयां नेमतां गिनना शुरू हो जाइए तो इंसान दी जिंदगी ख़त्म हो सकती है, लेकिन रहमान दे एहसानात और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दियां नेमतां दा शुमार नहीं हो सकता। यकीनन इंसान दा हंसना भी नेमत है और इंसान दा रोना भी नेमत है। इंसान वास्ते खुशी और किसी भी चीज़ दा हासिल हो जाना ये भी नेमत है, और एक इंसान की कमी और उदे तो चीज़ों का खुश जाना दूर हो जाना यकीनन ये अंदर भी हिकमत और खैर है। अल्लाह पाक ने एक बहुत प्यारी नेमत सानू अता फरमाई है, उस नेमत का तज़किरा खैर मैं आज तुहाडी खिदमत के अंदर पेश करना चाहना। उस नेमत का नाम है पानी। पानी अल्लाह पाक दी बहुत बड़ी नेमत है। पानी दी कदर और मंजिलत और ज़रूरत उस इंसान को पूछनी चाहिए कि जिन्हों शिद्दत दी प्यास लगी होए और शिद्दत दी प्यास दे बावजूद भी उदे कोल पीन वास्ते पानी दा एक कतरा और एक घुट भी ना होए। तुसी गौर करके देख लो, इंसान भुखा रह सकता है लेकिन प्यासा नहीं रह सकता। इंसान दे जिस्म और इंसान दा मूँह सुकड़ना शुरू हो जाता है,
और जो इंसान नू पानी ना मिले इंसान की जिंदगी बदतर तो बदतर हालत अंदर पहुँच जाती और जो शिद्दत की प्यास लगी होए तो ठंडे पानी का गिलास सामने आ जाए और इंसान उन्हें पी लवे यकीन मनो ओ राहत और तमानीनत ओ सुकून इंसान नू मिलता है कि उस सुकून नू इंसान लफ्जा अंदर बयान नहीं कर सकता। चूंकि पानी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, इंसान का जिस्म अल्लाह पाक ने दो चीज़ों ना बनाया है, एक मट्टी है और एक रूह है। मट्टी दी खुराक अल्लाह पाक ने इंसान नू जेड़ा मट्टी ना बनाया है उदी खुराक भी अल्लाह ताला ने मट्टी चो निकाली है, जमीन चो निकाली है। पानी भी जमीन दे विचो निकलता है। रूह दी गजा अल्लाह पाक ने आसमान तो नाजल फरमाई है, आसमान तो उतारी है। कुरान अल्लाह पाक दा खजाना है, अल्लाह पाक दी नेमत है, रूह दी गजा है। तो अल्लाह पाक ने दो चीज़ों नाल इंसान नू बनाया, मट्टी और रूह। मट्टी की खुराक अल्लाह ने मट्टी चो कढ़ी है, रूह की खुराक क्योंकि रूह अल्लाह को आई है, आसमान तो आई है, तो उसकी खुराक का इंतजाम भी अल्लाह पाक ने आसमाना तो फरमाया है। तो कोई भी ऐसी नेमत नहीं है, कोई भी ऐसी इंसान जड़ी नेमत इस्तेमाल करता होए, खाता होए, पीता होए, वो नेमत पानी तो बगैर नहीं पैदा हो सकती, नहीं परवान चढ़ सकती। जब तक सब्जी नू पानी नहीं लगाया जाएगा, फल नू पानी नहीं लगाया जाएगा, गंदम नू पानी नहीं लगाया जाएगा, मूंजी नू पानी नहीं लगाया जाएगा, जिन्हिया भी नेमता ने जिन्नी देर तक उन्होंने पानी नहीं मिलेगा उन्नी देर तक उन्होंने अंदर जिंदगी नहीं आ सकती, वो परवान नहीं चढ़ सकदियाँ, वो पल नहीं सकदियाँ, वो पैदा नहीं हो सकदियाँ। पानी मिलेगा, पानी जिंदगी है, पानी हयात है, पानी नेमत है, पानी खजाना है। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वसलाम ने पानी के बारे ना बहुत प्यारिया प्यारिया अहादीस बयान कीतियां ने, वो आज इंशाल्लाह मैं तुहानू सुनानियां। पानी किसे बंदे नू पिलाना, चाहे वह सादा पानी होए, चाहे वह ठंडा पानी होए, चाहे वह मिठा पानी होए, चाहे वह कोई मशरूब होए उहदे अंदर पानी इस्तेमाल किया गया होए, या कोई भी किसी भी तरह का पानी होए, नबी पाक अली सलातु सलाम ने फरमाया जिहड़ा बंदा किसी परिंदे नू पानी पिलांदा है, किसी जानवर नू पानी पिलांदा है, किसी प्यासे इंसान नू पानी पिलांदा है, यानी कोई भी जानदार, कोई भी जानवर होए, कोई भी परिंदा होए, कोई भी दरिंदा होए, कोई भी कीड़े मकोड़े होन, या कोई भी इंसान होए, या कोई भी हैवान होए, पानी पिलान दी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी शान बयान फरमाई है, बड़ा मुकाम बयान फरमाया है और बहुत ज़्यादा अजरो सवाब बयान फरमाया है। असी पानी पिलान नू ना एक मामूली जी चीज़ समझने, एक हौली जी नेकी समझने, एक नन्नी मुन्नी जी नेकी समझने, हालांकि पानी पिलाना ए बहुत वड्डी नेमत है, ए बहुत वड्डी नेकी है, ए बहुत उच्चा अमल है, चोटी का अमल है। किसी प्यासे नू पानी पिला देना, किसी प्यासे जानवर नू पानी पिला देना, किसी प्यासे परिंदे नू पानी पिला देना, यह कोई छोटी नेकी है? उदे ढिड्डों जदों दुआ निकलनी है, उदे अंतरों जदों दुआ निकलनी है। वैसे भी पंजाबी का एक मुहावरा मशहूर है कि पेट का ते दिल का रस्ता करीब करीब है, यानी जो तुसी किसी का पेट भरते हो, किसी पानी पिलाते हो, किसी को खाना खिलाते हो, तो वह ढिडों दुआ देता है, वह दिलों दुआ देता है। तो अल्लाह पाक जो कोई बंदा किसी वास्ते दुआ करता है, कोई जानवर किसी वास्ते दुआ करता है, कोई परिंदा किसी वास्ते दुआ करता है, तो सोचो अल्लाह पाक की रहमत किस कदर जोश मारती होएगी और किस कदर अल्लाह पाक राजी तो खुश और मुस्कुराते हो।
इन्हां चीज़ां नूं भी महसूस करिया करो, इन्हां चीज़ां दी भी लज्जत और मिठास नूं चखिया करो, चिथिया करो कि यार ए नेमत किड्डी वड्डी है कि असी किसे बंदे नूं, किसे जानवर नूं, किसे जानदार नूं पानी पिया दईए। अच्छा, अल्लाह दे नबी अली सलाम तो सलाम दे सियाबी ने हजरत साद सब को रजी अल्लाह ताला अनहो जाग के बैठो, बेदार हो के बैठो, मैं इंशाल्लाह तुहाड़ा टाइम ज़ाया नहीं करांगा। मैं बड़ियां प्यारियां प्यारियां हदीसां तुहाडे वास्ते चुन के लियाया। नबी पाक दे प्यारे सहाबी ने हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जवान सहाबी ने इन्ने नेक जवानी में नेकी मिल जाना है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हज़रत साद नबी पाक नू कहंदे फ़अय्यु सदक़ती अफ़ज़ल, अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मेरा दिल करदा सब को सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, अल्लाह दे नबी जी अय्यु सदक़ती अफ़ज़ल, अल्लाह दे नबी जी सब तो उच्चे दर्जे का सदका केड़ा है, सब तो टॉप क्लास का सदका केड़ा है, सब तो अफजल तरीन सदका केड़ा है। हुण वेखो ना, नबी अली सलातो सलाम कोई भी बयान कर सकते सी कि ऐ सदका सब तो अफजल है, ऐ सदका सब तो उच्चा है, ऐ सदका सब तो टॉप क्लास का है। नबी अली सलातो सलाम ने फरमाया मेरे सहाबी काल अल मा, नबी पाक फरमाते ने किसे नूं पानी पिला देना, किसे वास्ते पानी दा इंतजाम कर देना, नबी पाक फरमाते ने मेरे साथ ऐ सब तो ज्यादा अफजल सदका है, ऐ सब तो ज्यादा उच्चा सदका है कि तुसी किसे नूं पानी पिला दो, किसे वास्ते मोटर लगवा दो, किसे वास्ते पंप लगवा दो, किसे वास्ते पानी दी कैन लगवा दो, हैं किसे वास्ते पानी दा कूलर लगवा दो, मस्जिद च नलका लगवा दो, या किसे चौंक च नलका लगा दो, या किसे जगह ते कुआं खदवा दो, या किसे जगह ते पानी दा इंतजाम कर दो, ठंडे पानी दा कूलर लगवा दो, यानी किसी भी तरीके दे नाल पानी दा इंतजाम कर दिता जाए, ऐ नबी पाक अली सलातु सलाम ने फरमाया है। और सुन नबी दाऊद दी हदीस है, इमाम अलबानी ने इनू सही आख्या है, आप फरमाते ने मेरे साथ सब तो उच्चा सदका ये वे कि तू किसी नू पानी पिला दे, किसी वास्ते पानी दा इंतजाम कर दे, पानी दे इंतजाम अंदर तेरा हाथ होवे, किसी ना किसी तरह तेरा हिस्सा पै जाए। लो मेरे प्यारे भाईओ, अपनी मां वालों पानी का इंतजाम करो, अपने बाप वालों पानी का इंतजाम करो, अपने वालों पानी का इंतजाम करो और अपने बच्चियां वालों पानी का इंतजाम करो। वेखो ना, एक बंदा किसी नूं पानी पिलांदा है, किसी जानवर नूं पानी पिलांदा है, या सुबह सुबह उठ के छत ते जाके एक कौलियां दे अंदर या कशकोल दे अंदर या किसी भी बर्तन अंदर ताज़ा पानी रख देंदा है कि चिड़ियां गुजरन गियां, कवे गुजरन गए, शेरकां गुजरन गियां, तिलियर गुजरन गए, या कोई भी परिंदा गुजरेगा इतों चुंझ मार के पानी पी जाएगा। और मेरे प्यारे भाइयो, पहलू जड़ियाँ मावं होंदिया सन ना, नेक मावं, दुआ करो जिन्हां दी मावं फौत हो गई ने, बाप फौत हो गए ने, अल्लाह पाक उन्हां दी कबर ते करोड़ां रहमतां दा नज़ूल फरमा दे। मावं माशाल्लाह सवेरे सवेरे उठ के हैं छत ते जाके जिहड़े टुकड़े बचे होने रोटी दे टुकड़े वह छत ते सुट होने, जिहड़े चावल बचे होने माणे जे पक्के होए वह चावल छत ते जाके सुट होने, पानी दा इंतजाम करना परिंदियां वास्ते, यानी वो नेक लोग उन्हां दियां सोचां भी नेक, उन्हां दे जज्बे भी नेक, उन्हां दियां माशाल्लाह उन्हां दे तरीकेकार भी बड़े प्यारे प्यारे ते मिठे मिठे ते नेक। सानूं ते ना अल्लाह दी कसमें ए पैसे ने साडे बेड़ा गर्क कर दिता है, बस पैसा 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 पैसा, सुते पिया भी पैसे दियां गल्लां करी जांदा है। ओए अल्लाह दे बंदेओ, ए काम ने करन वाले, ए काम ने अपने बच्चियां नूं सिखाण वाले, अपने पुत्तर नूं फेसबुक चलानी ते बड़ी सिखाई है, अपने पुत्तर नूं ट्विटर चलाना ते बड़ा सिखाया है, अपने पुत्तर नूं यूट्यूब चलानी ते बड़ी सिखाई है,
ऐ अपने पुत्र नूं क्यों नहीं सिखाया। पुत्र सवेरे नमाज पढ़नी है, जिक्र अजकार करने ने, ते सब तो पहले उठ के जाके उत्ते जाके परिंदियां दे पानी दा इंतजाम करना है, जानवरां दे पानी दा इंतजाम करना है, उन्हां दी रोजी रोटी दा इहतमाम करना है। तू मासूम बेजुबान मखलूक दी रोजी रोटी दा इहतमाम करेगा, रब तेरी रोजी रोटी दा इहतमाम करेगा, रब तेरी प्यास बुझाएगा, रब तेरे मामले सीधे ते सीधे सीधे कर देगा। मैं अल्लाह को दुआ करना आमीन किया जे। अल्लाह सोहणिया सानू पानी दा सदका करन दी अल्लाह सानू भी तौफीक अता फरमा दे। बड़ी ढिली जी आमीन कही जे, फिर कह दियो आमीन। और रब्बुल आलमीन ने ना कुरान मुबीन अंदर एक एक बड़ी प्यारी आयत बयान फरमाई है। उस आयत के अंदर अल्लाह पाक ने इशारा किया है कि किसी भी नेकी नूं तुसी छोटा नहीं समझना। मते तुसी समझोगे लोकारी साहब ने ऐ की मौजू शुरू कर दिता है, पानी पियाओ जी पानी पियाओ, ओए नेकी कोई भी छोटी नहीं। जिन्ने इखलास दे नाल तुसी नेकी करनी है ना, उन्ना उहदा रेट वध जाना है, उन्ना उहदा मुल वध जाना है, उन्नी उहदी डिमांड वध जानी है, उन्ना उहदा अजर ते सवाब वध जाना है। आइए अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर की फरमाया है। अल्लाह फरमा रहे ने ऐ मेरे महबूब पैगंबर इमाम अल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम जी ऐलान फरमा दियो, यअलमूना ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया वहुम अनिल आखिरतिहुम गाफिलून। अल्लाह फरमाते ने मेरा बंदा जहरी जहरी चीज़ां वल वेखदा है कि पानी पिलाना ये कोई छोटी जी नेकी है, ये तो मामूली जी नेकी है। हालांकि इनू नहीं पता कि छोटिया छोटिया नेकियां दा रेट बड़ा लग्या करदा है, छोटिया छोटिया नेकियां दा अजर बड़ा वध छोटिया छोटिया नन्निया मुन्निया नेकिया दा अल्लाह पाक ने आखरत दे रोज बड़ा अजरो सवाब रखिया है। अल्लाह पाक ने इन्हां दे बदले जन्नत लो फिर दौस रख दिती है। आओ लोगों मैं पहली हदीस नबी पाक दी बयान कर चुके हाँ, पानी पिलाना पानी दा इंतजाम करना नबी पाक ने फरमाया चोटी दा सदका है, सब तो उच्चे दर्जे दा सदका है, सब तो अफजल तरीन सदका है। आओ लोगों मैं नबी पाक दा दूसरा फरमान सुना। नबी पाक फरमाते ने छे तरह के लोग ऐसे ने कि जेड़े फौत हो जाते ने, उन्हां दे फौत होने तो बाद भी उन्हां दी नेकियां दा अजर उन्हां नूं कबर दे अंदर पहुँचता रहिंदा है, उन्हां वास्ते सदका जारिया बन जाता है। आप ते मर गया, आप ते फौत हो गया है, अल्लाह नूं प्यारा हो गया है, लेकिन पिछों नेकियां पहुँचदियां जा रही ने, लेकिन पिछों नेकियां दा बैंक खुल्ला ते नेकियां भजदियां भजदियां जा रही ने। नबी पाक ने फरमाया उन्हां दे विचों एक सदका जारिया ए वे। पाक पैगंबर फरमाते ने आओ करी नहरन आओ हाफरा बेरा। नबी पाक फरमाते ने जिन्हें नहर खोद दिती नहर दा इंतजाम कर दिता, या कुआं खोद दिता खूह खोद के ते पानी दा इंतजाम कर दिता। ये पुराने दौर दे अंदर पिछले दौर दे अंदर नहर ऐ अल्लाह पाक दी बहुत बड़ी नेमत सी, कुआं ऐ अल्लाह पाक दी बहुत बड़ी नेमत सी। उहदे अंदर पानी नूं इकट्ठा कर लिया जांदा, कुएं दे अंदर कुछ देर वास्ते पानी इस्तेमाल किया जांदा। अजकल तो बड़ी जिद्दत आ गई है, बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है, बड़ियां आसानियां फरावानियां आ गई ने। यानी तुसीं ये समझ लो कि पानी का इंतजाम तुसीं जिवें भी कर सकते हो, नलका लगा के मोटर लगा के पंप लगा के वाटर कूलर लगा के या किसी भी तरीके दे नाल। नबी पाक फरमाते ने उन्हें मरण तो बाद भी सदका जारिया बना लिया है, इधरों फौत हो गया नलका चल रहा है, मोटर चल रही है, पंप चल रहा है, फिल्टर चल रहा है, ते पानी लोग इस्तेमाल कर रहे ने। बंदा कबर दे अंदर बह पिया है ते फौत हो चुके है, पिछों नेकियां दा सिलसिला जारी है, लोग पानी पी जा रहे ने, लोग पानी इस्तेमाल करी जा रहे ने। अल्लाह पाक ने दे वास्ते नेकियां दा सदका जारिया कर दिता है। अपनी मां वल्लों नलका लगा दे, अपने बाप वल्लों मोटर लगा दे, अपनी
अपनी माँ अपनी माँ ते अपने बाप वालों फिल्टर लगा दे, अपने वालों सदका जारिया लगा के चला जा। पिछों लोग पानी इस्तेमाल करनगे, तेनू अजर मिलता जाएगा। अल्लाह अकबर कबीर। लो मैं दुआ कर लगा आमीन किया, जे तौफीक मेरे रब ने देनी है माशाल्लाह मुल पै जाना आमीन दा इंशाल्लाह। अल्लाह सुनिया सानू अपने वास्ते भी अपने अम्मी अबू वास्ते भी सदका जारिया वाले काम करन दी तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन दे पाक पैगंबर इस्लाम फरमांदे ने, तीसरी नबी पाक दी हदीस पाक सही बुखारी दे अंदर मौजूद है, अत तरगीब व तरहीब दे अंदर मौजूद है। पाक पैगंबर इस्लाम तू सलाम फरमांदे ने, लैसा सदाकतुन आज़म अजरम मिम्मा इन। नबी पाक फरमांदे ने, एक बंदे ने सदका कीता, एक दूजे बंदे ने भी सदका कीता, तीजे बंदे ने भी सदका कीता, चौथे बंदे ने भी सदका कीता, पंजवें बंदे ने पानी दा सदका कीता है। नबी पाक फरमांदे ने, इन्हां सारे सदकियां विचों सब तो ज्यादा अजर मिले है ते पानी दे सदके वाले नू मिले आए। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी सदकियां दी कैटागरी है ना, सदकियां दा दर्जा है, सदकियां दी किस्मां ने, किसी ने आ सदका किया है, किसी ने आ सदका किया है, किसी ने आ सदका किया है। नबी पाक फरमाते ने, एक बंदे ने पानी का सदका किया है, एक घर माड़ा है, एक बेवा का घर है, एक यतीम बच्चों का घर है, तो पानी वाले नू कहिंदा है रोजाना एक कैन इन्हों के घर दे जाया करनी है, पैसे मैं देंगा, रोजाना एक कैन इन्हों के घर पहुँचा देनी है, चुप करके मेरा नाम नहीं लेना, तो 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये जिन्हें पैसे बन देने तू इन्हां दे घर पानी पहुँचा देना ते पैसे मैं देंगा। नबी पाक फरमाते ने, पानी देन वाला पानी का इंतजाम करने वाले नो अल्लाह पाक ने इस सदके का सब तो ज्यादा अजर अता किया है, सब तो ज्यादा सवाब अता किया है। बल्ले बल्ले नहीं होनी चाहिए, स्लेटा प्लेटा फ्लैक्स के बैनर नहीं लगने चाहिए कि ए नलका मैं लवाया, ए मोटर मैं लवाई है, ए फिल्टर मैं लवाया ना। मेरे प्यारे भाईओ, इन्हां नामा तो ना थोड़ा जा हाथ पिछा रखिया करो कि यार बस मैं अपनी मां वालों सदका कर दिता है, बस मैं अपने बाप वालों नलका लगवा दिता है, बस मैं अपने वालों सदका जारिया कर दिता है, मैनू शाबाश चाहिए है तो मेरे रब को चाहिए है, मैनू थापड़ा चाहिए तो मेरे रब को चाहिए, मैं रेट लवाना तो अपने रब को लवाना है, तो एको वारी लवाना तो क्यामत वाले दिन लवाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। यह सोच अपने अंदर पैदा करो, यह फिक्र अपने अंदर पैदा करो, मैं जेड़ी भी नेकी करनी है मैं रब को सवाब लेना है, मैं जेड़ी भी नेकी करनी है उनका रेट मैं अपने रब को लवाना है, मैं थापड़ा ते शाबाश अपने अल्लाह पाक दे कोलो लवाना है। ऐ शैतान ने भी ना ऐ दीनी तबके का बड़ा ही बेड़ा गर्क किया है, लोग नेकी करते कोई नहीं ते जेड़ा कोई माड़ी मोटी नेकी करता है शैतान उन्होंने रियाकारी ते ला देंदा है, स्लेटा प्लेटा फ्लैक्सा बैनर ते ला देंदा है ना। मेरे प्यारे भाईओ, नेकी कर दरिया में डालते छुपा लै, तेरे रब दे दरमियान ते तेरे दरमियान यह चीज़ राज रहनी चाहिए। लो मैं अल्लाह को दुआ करना आमीन किया, अल्लाह सुनिया सानू अपनी रहमत दे नाल ए पानी दा सदका करन दी भी तौफीक अता फरमा। लो मैं एक बड़ा प्यारा वाकया सुनान लगा। जेड़े बंदे कहिंदे ना कारी साहब मेरे दिल दियां हाजात पूरियां हो जान, मेरे दिल दियां जरूरतां पूरियां हो जान, कारी साहब मेरे दिल दियां ख्वाहिशां पूरियां हो जान, यह हदीस ते गौर करिया जे, यह कुरान पाक की आयत ते गौर करिया जे। नबी पाक अली सलातु सलाम ते कुरान आया, हज़रत मूसा अलैहि सलातु सलाम, वाह मैं कुरबान जावा सईदना मूसा, हज़रत मूसा अलैहि सलातु सलाम, इस तरह चलदियाँ 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 चलद मदीन के खूह से पहुँच जाते हैं, मदीन के कुएं से पहुँच जाते हैं, तो वेखते की ने कि जवान बच्चिया खड़िया ने, अपने नाल जानवर लैके आईया ने, भेर पकड़िया लैके आईया ने, लोग अपने जानवरों पानी पिला पिला के जाई जा रहे हैं, लेकिन जवान ने एक बापरदा बच्चिया एक साइड से खड़िया ने, उन्होंने पानी पी पिल पिलान वास्ते कोई इजाजत नहीं दी जाती, उन्होंने वास्ते कोई रस्ता नहीं बनाया जाता, लोग
आई जा रहे ने, अपने जानवरों को पानी पिला के जाई जा रहे ने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवानी जवानी का आलम है, गांव वधे ते सारियां नू पिछा करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हां जवान बच्चियां दे भेड़ बकरियां नू पानी पिलाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम नू छड़ के आए ने ते इन्हां नू दो चीज़ां की जरूरत है। हजरत मूसा नू खाना भी चाहिए, हजरत मूसा की शादी भी नहीं हुई ते बीवी भी चाहिए है। अल्लाह पाक ने खाना भी देन का इंतजाम किया, अल्लाह पाक ने बीवी का भी इंतजाम किया, ते किस तरह किया है। रब दा कुरान कह रहा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फसा काला हुमा सुम्मा तवल्ला जिल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन जवान बच्चियां दे भेड़ बकरियां नू पानी पिलाया। इस पानी पिलान दी बरकत दे नाल अल्लाह पाक ने हजरत मूसा दे खाने दा भी इंतजाम कर दिता है। हजरत मूसा दे वास्ते अल्लाह पाक ने नेक बीवी का भी इंतजाम कर दिता है। हजरत मूसा ने पानी पिलाया, बच्चियां अपने जानवरों को लेके घर के अंदर चलिया गई। ये बच्चियां हजरत बाबा जी शुएब अली सलातुस्सलाम दियां बच्चियां ने, अलैहि सलातुस्सलाम। बच्चियां ने दसिया एक खूबसूरत नौजवान है, अखा के अंदर हया है, अखा के अंदर खैरत है, अख चुक के भी उन्होंने साढ़े वाल नहीं वेख्या, साढ़े भेड़ बकरियां पानी पिलाया, तो कोई उजरत भी नहीं मंगी, कोई मजदूरी भी नहीं मंगी, तो अल्लाह वाला नेक बंदा है। हजरत शुएब अली सलातुस्सलाम फरमाते ने जाओ मेरी ओ बेटियो, उस जवान नू मेरे को लेके आओ ना। हजरत शुएब ने अपनी बेटिया नू कलिया, बेटियां गई हजरत मूसा अलैहि सलाम नू लेके आईया। अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत मूसा अलैहि सलाम नू हजरत शुएब कहन लगे मैं तुहानू खाना भी खिलावांगा, ते मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी बेटी का निकाह तुहाडे नाल कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत मूसा की जरूरत अल्लाह पाक ने पूरी की है, ते किस नेकी दी बरकत दे नाल, पानी पिलान दी बरकत दे नाल, पानी पिलान दी बरकत दे नाल अल्लाह ने रोजी रोटी का एहतमाम भी किया है, पानी पिलान दी बरकत दे नाल अल्लाह पाक ने बीवी भी अता की है। और मेरे वीर तू कहना कारी साहब कारोबार नहीं चलता, तू कहना कारी साहब जॉब नहीं मिलती, तू कहना कारी साहब पता नहीं गाहक नू पता नहीं की हो गया, इंज चढ़दा ते इंज उतर जांदा दुकान, ए सेल घट गई है, आमदन घट गई है, प्रॉफिट घट गया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मसला हल होया पानी पिलान की बरकत दे नाल। अल्लाह पाक ने रोटी भी दिती है, ते रोटी पकान वाली भी दिती है, रब ने जरूरियात पूरियां कीतियां ने। मेरे वीर अगर तू चाहना है अल्लाह पाक तेरिया जरूरियात पूरियां करे, अल्लाह पाक तेरे दिल दियां ख्वाहिशात की तकमील करे, इस नेकी नू अपना, इस नेकी नू अपना, आप भी अपना, अपने बच्चियां नू भी सिखा। मेरा पुत्र ए तू स्कूले जाना है ना, तो जो मेरे वाल और परदे के अंदर जड़िया मेरिया मावं बेटियां भैन तशरीफ फरमा ने ना, अपनी बेटी नू कहना मेरा बेटा, अपने बेटे नू भी कहना मेरा बेटा। ए वाटर कैन, वाटर कैन, ए पानी वाली बोतल तू लैके जाना ना स्कूल, ते एक गिलास खुद पी लेना, ते एक गिलास अपने क्लास फैलो नू पिला देना, अपने नाल दे बच्चे नू पिला देना। ये खर्च करन दी आदत पाओ, अपने बच्चियां नू खर्च करन दी आदत पाओ, पानी भी खर्च करन, खाना भी शेयर करन, एक दूसरे दे नाल वंड वडा के खान ते पीन, ए आदत अपने बच्चियां दे अंदर पैदा करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दी जरूरत अल्लाह पाक ने पूरी कीती है, खाना भी दिता है, खाना पकान वाली भी दिती है। की वजह है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी वाला नेक अमल किया है, पानी पिलाया है। लो मैं अल्लाह को दुआ करना, आमीन कहना, अल्लाह सुनिया ए पानी वाली नेकी करके अल्लाह साड़ियाँ जरूरतां अपनी रहमत दे नाल पूरियां फरमा दे। हर बंदे नूं बड़ियां बड़ियां जरूरतां ने, बड़ियां बड़ियां नेक हाजतां ने। लोग बड़ी बड़ी दूरों माशाल्लाह जुमा पढ़न आंदे ने और दिलों के अंदर नेक ख्वाहिशां लैके आंदे ने। दुआ करो अल्लाह साढ़े दिल दियां नेक ख्वाहिशां की तकमील फरमा दे।
नबी अली सलाह तो सलाम फरमाते ने सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। पाक पैगंबर अली सलाह तो सलाम फरमाते ने अल्लाह पाक ने उस फाहिशा औरत नु माफ कर दिता जिन्हें कुत्ते दे बच्चे नु पानी पिलाया, कुतिया दे बच्चे नु पानी पिलाया। अल्लाह पाक ने पानी पिलान की बरकत दे नाल ओदे गुनाहां नु माफ कर दिता है। ओए पानी पिलान दे नाल तेरे दिल दियां जरूरतां अल्लाह पाक पूरियां करेगा, तेरे दिल दियां ख्वाहिशां अल्लाह पाक पूरियां करेगा। पानी पिलान की बरकत दे नाल अल्लाह तेरे गुनाहां नु माफ करेगा। आओ लोगों मैं तीसरी हदीस पाक बयान करनी चाहना। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे प्यारे सहाबी हजरत सहाबी रसूल दे उस्ताद सहाबी रसूल दे उस्ताद बयान करते ने नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने जेड़ा बंदा किसे प्यासे नू पानी पिलांदा है अल्लाह पाक शराबे तहूर जन्नत दी अता फरमाणगे। कल कियामत वाले दिन मोर शुदा शराब शराबे तहूर पकीजा जन्नत दी शराब अल्लाह पाक उन्हू पिलाणगे। जेड़ा बंदा किसे नू कपड़े पहनांदा है किसे नू सूट देंदा है अल्लाह पाक कियामत वाले दिन उस बंदे नू जन्नत दियां पोशाकां पहनाणगे। जेड़ा बंदा किसे नू खाना खिलांदा है अल्लाह पाक कल कियामत वाले दिन उन्हू जन्नत दे खाने खिलाणगे, जन्नत दे समारात अता फरमाणगे, फल फ्रूट अता फरमाणगे। मेरे वीर दुनिया ते अगर किसे नू पानी पिलाएगा पानी दा इंतजाम करेगा अल्लाह कल कियामत वाले दिन मोर लगी हुई शराब जन्नत दी अता फरमाणगे। लो दुआ कर लईए अल्लाह सोणिया मोर लगी हुई शराब दा तज़करा तेरे नबी पाक ने भी कीता है ते कुरान पाक च तुसी भी कीता है। अल्लाह सानू सारियां नू जन्नत दी ऐ जड़ी मोर लगी हुई शराब है ना अल्लाह पाक साढ़े नसीब अंदर भी फरमा दे। नबी पाक अली सलातु सलाम दी हदीस दे बहुत बड़े इमाम हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह दे कोल एक बंदा आया, आके कहन लगा इमाम साहब मेरे घुटने दे अंदर पीप पै चुकी है, रेशा पै गया, खून वगदा पिया, इस कदर ज़्यादा बीमार हाँ। डॉक्टर ने कहा तेरी लत कटनी पेगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। वीरियो तवज्जो मेरे वल करिया, जे मैं एक अहम बात बयान कर रहा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने इस तरह कर के वापस जा, जा के लोगों वास्ते पानी दा कुआं खोद, उदा इंतजाम कर इस पानी दे वाले अमल दी बरकत दे नाल अल्लाह पाक तेनू सेहत अता फरमानगे, अल्लाह पाक तेनू शिफा अता फरमानगे। सीयरु आला मिनु वाला दे अंदर अज भी वाकया मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने जा जा के लोगों वास्ते पानी दा इंतजाम कर। वो बंदा वापस गया, पानी दा इंतजाम किया। फरमांदे ने जदों पानी दा मैं इंतजाम किया मेरी पीप भी बंद हो गई है, मेरा रेशा भी बंद हो गया है, मेरा खून भी निकलना बंद हो गया है। अल्लाह पाक ने शिफावां अता कीतियां ने। तू शुगर दी गल करना, तू ब्लड प्रेशर दी गल करना, दवाई खानी चाहिए, टेस्ट कराने चाहिए ने, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन इस पानी वाले नेक अमल के जरिए अपनिया बीमारियों का इलाज करो, इस पानी का इंतजाम करके अपनिया बीमारियों का इलाज करो। नबी पाक अली सलाम ने फरमाया अपने बीमारों का इलाज करो सदके के जरिए, और बेहतरीन सदका मैं आज तुहाड़े सामने बयान कीता है। नबी पाक ने फरमाया पानी दा सदका सब तो अफजल सदका है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अपने बीमारों वालों पानी दा इंतजाम करो, अल्लाह पाक उदी बरकत दे नाल तेरे बीमार नू शिफा अता करेगा। यार बीमारियां भी मेरे रब दे हथ अंदर ने, शिफावां भी मेरे रब दे हथ अंदर ने, शिफावां भी मेरे रब ने अता करनिया ने, लेकिन इन्हों जरिए इन्हों चीज़ों के जरिए अल्लाह पाक ने बड़ी बरकत रखी है, इन्हों चीज़ों के जरिए अल्लाह पाक ने बड़ी शिफा और रहमत रखी है। लो मैं दुआ करना आमीन कहना। अल्लाह सुनिया अपनी रहमत दे नाल जितने भी मुसलमान बीमार ने अल्लाह सब नू शिफा अता फरमाए। नबी पाक अली सलाम ने फरमाया वाह सुबहान अल्लाह। नबी पाक फरमाते ने एक शौहर, तवज्जो मेरे वाल करो, एक शौहर अपनी बीवी नू पानी पिलांदा है,
नबी पाक अली इस्लाम फरमाते ने इन्नर रजुला इज़स्तका इमरातु इमरातुहु मिनल माई उजीरा। नबी पाक फरमाते ने एक शोहर अपनी बीवी नू पानी पिलांदा है, अल्लाह पाक ओदे जरिए ओनू सदके दे बराबर सवाब अता फरमाते ने। मैं तेरे को सवाल करना, किन्नी वारी अपनी अपनी बीवी नू पानी पिलाया है? इन्हां हदीसां दी लोड़ है, इन्हां हदीसां दी लोड़ है। घरां दे घर उजड़ गए, फैमिलियां दीआं फैमिलियां तबाहो बर्बाद हो गई, खानदानी निजाम तबाहो बर्बाद हो गया, मामले तलाकां तक पहुंच गए। जाओ अपनी अदालतां चेक करके वेख लो, जाओ अपने वकीलां दे मामले चेक करके वेख लो, जाओ जजिस दे मामले चेक करके वेख लो। ज्यादा केस तलाकां दे मिलणगे या जायदादां दे मिलणगे? नबी पाक फरमांदे ने शौहर अपनी बीवी नूं पानी पिलांदा है, अल्लाह इहदा भी सदका लिख के उहदे वास्ते अजरो सवाब ने। अल्लाह यार इन्हां हदीसां ते अमल सिखां ने करना है, इन्हां हदीसां ते अमल काफरां ने करना है, इन्हां हदीसां ते अमल हिंदुआं ने करना है। ए मुसलमानां वास्ते ने, ए मोमिनां वास्ते ने, ए साडे तुहाडे वास्ते ने। नबी पाक ने एक एक चीज़ बयान कर दिती है, मेरे मुर्शिद पाक अली सलातो सलाम ने एक एक चीज़ वाजे कर दिती है। लो मैं दुआ करना आमीन किया जे, अल्लाह सोहणिया सानू इस हदीस दे उत्ते भी अमल करन दी तौफीक अता फरमा दे। हज़रत अरबाज रज़ी अल्लाहु ताला नो नबी पाक दे सहाबियां सामने बैठे, जो नबी पाक ने हदीस बयान की ना कि शोहर अपनी बीवी नू पानी पियाएगा, यह भी उहदे वल्लों सदका लिखिया जाएगा। हज़रत अरबाज रज़ी अल्लाहु ताला नो फौरन उठे, अपने घर के अंदर गए, पानी फड़िया, अपनी बीवी नू पानी पियाया, तो ए नबी पाक की हदीस सुनाई कि अज मैं अल्लाह के नबी को सुन के आया, जिहड़ा अपनी बीवी नू पानी पिलांदा है अल्लाह उहदे वल्लों सदका लिख देंदा है। अल्लाहु अकबर कबीरा, बीवी भी मुस्कुरा पई, हज़रत अरबाज भी मुस्कुरा पे, रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुमा। आओ लोगो, अल्लाह पाक ने दे अंदर बड़ा अजरो सवाब रखे है। नबी पाक अली सलातो सलाम ने फरमाया जेड़ा भी तुसी पानी का इंतजाम कीता है, कोई नलका लवाया है, कोई पानी का इंतजाम किया, किसी भी जगह पर पानी का इंतजाम किया, कोई जानवर वे पानी पिएगा, कोई परिंदा वे पानी पिएगा, परिंदा पानी पी के उड़ जाएगा, अल्लाह पाक तुहानू अजर सवाब अता फरमाणगे, अल्लाह पाक तुहानू इहदा अजर अता फरमा। एक सहाबी कहन लगे अल्लाह दे नबी जी मैं ना एक तालाब बनाया, तालाब उहदे अंदर ना मैं पानी का इंतजाम जो करना ना अपने ऊठां वास्ते, अपने ऊठां नूं पिलाण वास्ते, ते दूसरा मेरा हमसाया है ओदा ऊंट भी आ के ते मेरे तालाब चो पानी पीना शुरू हो जाता है, तो अल्लाह दे नबी जी मैनू इहदा भी अजर मिलेगा, ओदा ऊंट मेरे तालाब चो पानी पी रहा है, तो अल्लाह दे नबी जी मैनू भी इहदा अजर मिलेगा। नबी पाक अली सलाम ने फरमाया बला क्यों नहीं, क्यों नहीं, तू जिस जानदार नू भी पानी पिलाएगा अल्लाह पाक तेनू अजरो सवाब अता फरमाणगे, अल्लाह पाक इहनू ते तेनू इहदी खैरो बरकत अता फरमाणगे। जरा बहार पैदा करो, इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हो दी वालदा वफात पा गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह दे नबी दे कोल आए, आके कहन लगे अल्लाह दे नबी जी मैं बड़ा दुखी हाँ, मेरी माँ फौत हो गई है, तो अल्लाह दे नबी जी कोई एक ऐसा अमल दसो कि मैं अपनी माँ वालों करना चाहवा, ओदा अजर सिर्फ मेरी माँ नूं पहुँचे। नबी पाक ने फरमाया मेरे साद अपनी माँ वालों खूह खदवा दे, अपनी माँ वालों पानी का इंतजाम कर दे, ते अल्लाह दे नबी जी क्या मेरी माँ नू अजर मिलेगा? हाँ मेरे साथ तेरी माँ नू अल्लाह पूरा पूरा अजर अता फरमानगे, जिन्नी देर तक वह कुआं चलता रहेगा अल्लाह पाक तेरी माँ नू अजर अता फरमानगे। हज़रत साद ने कुआं खुदवाया अपनी माँ के नाम ते, उम्मे साद का कुआं, उम्मे साद के नाम ते कुआं खुदवाया। अल्लाह अकबर कबीरा, नबी पाक अली सलातो सलाम दे सहाबी हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते ने ऐ खुआ जड़ा मेरी माँ वालों है, अल्लाह पाक मेरी माँ नू अजर अता फरमानगे, रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। अल्लाह अकबर कबीरा, जड़ा बंदा पानी नहीं पिलांदा, पानी का इंतजाम नहीं करता, नबी पाक फरमाते ने एक बंदा सफ़र कर रहा है, सफ़र करद्या करद्या उहदे कोल पानी मौजूद है, तो नाल दे मुसाफर नू पानी की जरूरत पै गई है, नाल दे मुसाफर नू पानी प्यास लग गई है, उन्हों पानी की जरूरत पै गई है। पाक पैगंबर
सलातो सलाम फरमाते ने इन्हें कड़ के उन्हों पानी नहीं पिलाया, इन्हों पता चल गया कि इन्हों पानी की जरूरत है, लेकिन इन्हें पानी उन्हों नहीं पिलाया, अपना पानी उन्हें वास्ते वकफ नहीं किया। नबी पाक फरमाते ने ऐसे बदबख्त आदमी नू अल्लाह पाक क्यामत वाले दिन माफ नहीं करेंगे। अल्लाह पाक ऐसे बंदे वाल नजरे रहमत दे नाल नहीं देखेंगे, नजरे बख्शिश दे नाल नहीं देखेंगे। अल्लाह पाक ऐसे बंदे वास्ते नरमी वाला मामला नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, यानी पानी पिलान दा सवाब भी बड़ा है ते जिहड़ा पानी नहीं पिलांदा अस्तगफिरुल्लाह उहदी पकड़ भी बड़ी है। नबी पाक अली सलाम ने फरमाया क्यामत वाले दिन एक बंदा आएगा, अल्लाह पाक कहणगे मैनू प्यास लगी सी, ऐसे ही मुस्लिम दी हदीस, मैनू प्यास लगी सी तू मैनू पानी नहीं पियाया। बंदा कहेगा या अल्लाह तुहानू प्यास लगी सी, तुहानू पानी दी की लोड़ है? नबी पाक फरमांदे ने तैनू पता सी फलां बंदा गर्मी च आया है, इनू प्यास लगी है, इनू पानी पियाना है, तू उन्हू पानी पिया देंदा ते अज मैं तेनू अजर अता करदा, अज मैं तेरी पकड़ ना करदा। अल्लाह अकबर कभी, यार नेकी करो, नेकी करो, पानी वाली नेकी करो, अल्लाह पाक दे कोलो अजर भी मंगो, अल्लाह पाक दे कोलो तौफीक भी मंगो। एक बड़ा प्यारा वाक्य है, जंगे यरमूक दा वाक्य है। सहाबी कहिंदे ने कि जंगे यरमूक जदों होई ना बड़ी शिद्दत दी गर्मी सी, ते मैं ना पानी दा मशकीजा लैके जड़े जख्मी लोग सन उन्हां विच मेरे चचाजाद भाई भी सन, ते मैं उन्हां दे कोल मशकीजा लै गया कि मैं इन्हां नूं पानी पियावां। सहाबां नूं भी पानी पिलाउण दा किन्ना शौक सी, रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन। फरमांदे ने मैं अपने कज़न दे कोल गया, मैं उन्हूं पानी पिलाउण लगा, नाल दा मुजाहिद आदमी जिहड़ा जख्मी पिया खून दे नाल लत पाते, उहदी चीख निकली ते मुँह दे विचों निकलिया मैनू पानी दिता जाए, ते मेरा कज़न कहन लगा तू मैनू पानी ना पिया, ऐस मेरे भाई नू पानी पिया दे। ते कहिंदे मैं उहदे कोल गया पानी पियाण वास्ते, जिन देर मैं उहदे कोल पहुंचिया जामे शहादत नोश कर दिंदा है अल्लाहू अकबर कबीरा, ते दूरों मैनू आवाज़ आई पानी। कहिंदे मैं उस सहाबी वल नसिया उहनू पानी पिलाण वास्ते पहुंचया, तो उन्नी देर भी जामे शहादत नोश कर गया। फरमाते ने इस तरह मैं घूमता घूमता पानी पानी पिलांदा पिलांदा पिलाण की कोशिश करता करता जिंदे कोल भी पहुंचया, उन्हें कहा तू अगले नू पानी पिया देख मेरी खैर है, तू अगले नू पानी पिया दे मेरी खैर है। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबी कहिंदे ने अबुल हैसम रजी अल्लाह तआला अन्हु कहिंदे ने मैं घूमता घूमता फिर मैं अपने चचाजाद भाई दे कोल आ गया, तो जिन देर नू मैं अपने चचाजाद भाई दे कोल पहुंचिया वह भी जामे शहादत नोश कर गया। इन्ना लिल्लाहे व इन्ना इलैहि राजिऊन। नबी पाक दे सहाबा ने ते मौत दे वेले भी दूसरिया का एहसास किया, मौत दे वेले भी दूसरिया नू पानी पिलाउण की कोशिश की है कि उहदी जान बच जाए मेरी खैर है, उहदे साथ चल पैण मेरी खैर है, उहदी प्यास बुझ जाए मेरी खैर है। ए जंगे यरमूक का वाकया है। हजरत अब्बास नबी पाक दे सके चचा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना हज कर रहे ने नबी पाक दे नाल, ते नबी पाक अलैहि सलातु सलाम ना इस तरह मक्कियों मीना च गए ना, मीना च मीना च रात गुजारी दी है ना हज दे मौके ते, ते नबी अलैहि सलातु सलाम जदों मीना चले ना ते हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहन लगे अल्लाह दे नबी जी मेरी ख्वाहिश है मैनू इजाजत दे दियो कि मैं मक्के रुक जावां बैतुल्ला च रुक जावां, ते जिहड़े हाजी आए ने ना हज करन वास्ते मेरा दिल करदा है कि मैं इन्हां नू अपने हत्थां दे नाल जमजम पिलावां, मैं अपने हत्थां दे नाल इन्हां दी खिदमत करां, इन्हां नू जमजम पिलावां। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया चाचा जी ठीक है तुहानू इजाजत है कि तुसीं मक्के ही ठहर जाओ असीं चले जाने आ, तुसीं ठहर के आ जायो। अल्लाह अकबर कबीरा। ए आले रसूल दा किरदार है, ए मेरे नबी पाक दे सके चचा दा किरदार है। रज़ी अल्लाहु तआला अन्हो पानी पिलाना जमजम पिलाना ए नबी पाक दी भी सुन्नत है। नबी पाक अलैहि सलातु सलाम ना इस तरह जमजम दे करीब खड़े ते नबी पाक फरमाते ने तवज्जो मेरे वाल करियो बड़ी प्यारी हदीस है। नबी पाक फरमाते ने मेरे सहाबा मेरा बड़ा ही दिल करदा है कि मैं हाजियां नू जमजम अपने हत्थां नाल पिलावां, लेकिन मैं इस वास्ते नहीं पिया रहा कि मैं जेड़ा भी अमल करांगा वह सुन्नत बन जाएगी ते मेरी उम्मत वास्ते मुशक्कत ना बन जाए, इत्थे रश लग जाएगा, इत्थे दौड़ भज लग जाएगी।
इत्थे नुकसान हो जाएगा, एक दूजे उत्ते बंदे चढ़न लग पैणगे, किसी की जान का खतरा हो सकता है। नबी पाक फरमाते ने पर मेरे दिल की खाश बड़ी है कि मैं अपने हत्थां दे नाल हाजियां नू जमजम पिलावां, मैं अपने हत्थां दे नाल लोगों नू पानी पिलावां, लेकिन मैं अपनी उम्मत की मुशक्कत तो बचन वास्ते कितने मेरी उम्मत वास्ते लाजिम ना हो जाए, मेरी उम्मत इनू सुन्नत ना समझ ले, मैं इस वास्ते पानी पिलाने वास्ते नहीं होया। अल्लाहु अकबर कभी। लेकिन नबी पाक ने वेखो किन्नी फजीलत बयान की है, अफजल सदका है, हैं पानी पिलान दा किन्ना अजर व सवाब बयान होया, पानी ना पिलान दा किन्ना ज़्यादा अजाब और किन्नी ज़्यादा सख्ती बयान हुई है। मैं अल्लाह को दुआ करना आमीन किया जे, अल्लाह सोनिया सानू अपनी रहमत दे नाल ए पानी वाला सदका करने दी भी सानू तौफीक अता फरमा। हाज़ा मा कान इंदी, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, वा आखिर दुआ।